ठीक है इस वक्त भी चैनल काविंग्स कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। काविंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों को ये बताने के लिए मैंने बनाया है कि आप चाहे कितनी ही महंगी से महंगी गाड़ी ले लें, अगर आप उसको अपने रेंज में या फिर अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, भले वो 5 स्टार या 10 स्टार रेटेड कार ही क्यों ना हो। आज एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि देख करके शायद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आए कि बिल्ड क्वालिटी क्यों मैटर करती है। यहाँ पर आज जो एक्सीडेंट देखने वाले हैं वो एक BMW X4 का हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सीडेंट हुआ है स्पीति में, जहाँ पर 4 लड़के जो कि गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, नाइट में वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं और किसी कारण की वजह से, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि किस वजह से उनकी गाड़ी के साथ ऐसा होता है, एकदम से उनकी गाड़ी जो है मतलब पहाड़ से रोल ओवर होते होते एकदम ज़मीन पर आकर के गिर जाती है, जिसमें से ऑन द स्पॉट एक बंदे की तो वहीं पर डेथ हो जाती है। जो 3 लोग रहते हैं उनकी जान बच तो जरूर जाती है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। यहाँ पर आप लोग गाड़ी की हालत देख सकते हो, गाड़ी की जो हालत है वो पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी है। कोई देख करके इसे पीछे से बता ही नहीं सकता कि ये एक BMW की गाड़ी है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि लग रही है ये BMW की गाड़ी? अब यहाँ पर जो ये एक्सीडेंट हुआ है ये रात के टाइम में हुआ है भाई। मेरे हिसाब से लो विजिबिलिटी होने की वजह से मे भी शायद ये एक्सीडेंट हुआ हो या फिर इनके हाई स्पीड में चलाने की वजह से हुआ हो। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, एक इमेज देखो, ये इमेज देखो और आप लोग देख लो कि वहाँ से मतलब इतनी ऊंचाई से वो गाड़ी नीचे गिरी है। मतलब अगर इसकी जगह कोई एक नॉर्मल गाड़ी रहती तो क्या लगता है आप लोगों को बच पाता? मैं कह रहा हूँ कि वो टीन के डब्बे की तरह एकदम ऐसे मुड़ जाती कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर रखे हुए हैं इतने ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं कि भाई किसी गाड़ी को क्या मतलब किसी बस ट्रक को भी वो पचकाने का दम रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बात करें गाड़ी के डैमेज के बारे में तो खैर टाइमली हर चीज़ ओपन हुई है, जितने भी सेफ्टी फीचर्स रहते हैं एयरबैग्स के ओपन होने की वजह से ही 3 लोगों की जान बच पाई है और बाकी जो सीट बेल्ट इन्होंने लगा रखी थी उसकी वजह से भी इनकी जान बची है। यहाँ पर अगर हम गाड़ी के बारे में बात करें तो गाड़ी आगे से लेके पीछे तक सब कुछ खत्म हो चुका है इस गाड़ी का, यानी कि टोटली डैमेज है। बैक साइड देखोगे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है, फ्रंट का बम्पर, हुड, विंड स्क्रीन, सनरूफ, मतलब अलॉय व्हील्स तक डिटैच हो गए हैं, इतनी बुरी तरीके से ये क्रैश हुआ है। और गाइस यहाँ पर मेरा मानना यह है कि बिल्ड क्वालिटी कितनी ही अच्छे से अच्छी होना रहती, यहाँ पर अगर XUV300 भी होती ना, जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट गाड़ियों में से एक है, उसका भी इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता, और ये तो है ही BMW। अगर आपने इतने पैसे पे किए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए तो कभी भी किसी गाड़ी को टेस्ट नहीं करती है। बाकी आप लोगों को क्या मानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या फिर आपने देखा है तो आप मुझे मेरे जीमेल या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो।